तो मेरे पास यार काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए टू क्रैक अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और ये क्वेश्चन किस किस प्लेटफॉर्म से करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने कोडिंग प्रोफाइल्स दिखाने वाला हूँ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल फोर्थ ईयर। मैंने किस किस प्लेटफॉर्म पर कितने कितने क्वेश्चन किए, और मैं कुछ टॉपिक्स भी दिखा दूंगा जिसमें मैंने मेजर क्वेश्चन किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम कम बचा होता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है मेरे पास, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग प्रोफाइल्स देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो यह है लीड कोड, जहां पर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और मैंने यहां पर 1009 क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब लीड कोड में मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्वियसली एरेज में किए हुए हैं, 518 क्वेश्चंस, देन स्ट्रिंग में लगभग 234, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में 184, एंड ट्री में 117। अब बाकी सारे टॉपिक्स में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए हुए हैं यहाँ पर, और इन टोटल देर आर 542 मीडियम, ईजी हैं 327 और हार्ड हैं 140। हार्ड थोड़े से कम है। सो दिस इज़ लीड कोड। अब यार लीड कोड एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग अपनी इंटरव्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं, बट यार अगर आप लोग को जानना है कि ये क्वेश्चन किस कंपनी में पूछा गया था, देन इन दैट केस यू विल हैव टू गेट द लीड कोड प्रीमियम, ठीक है, जो कि पेड है। बट द सेम थिंग यू विल बी एबल टू गेट इन फ्री इफ़ यू यूज़ कोड स्टूडियो, ठीक है। कोड स्टूडियो इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म बाई कोडिंग निंजास, विच इज़ ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, एंड इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहाँ पर लिंक पे जा सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ ऑन कोड स्टूडियो। तो आपको सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिल जाएंगी, एंड विद दैट यू विल बी एबल टू सी कि किस कंपनी में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछा गया है। ओके, एक थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में पूछा गया होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू सी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम कितना होना चाहिए। ओके, सो दैट आप लोगों को एक हिंट मिले कि आप लोग स्लो हैं या फास्ट हैं, आपको कितनी प्रैक्टिस और चाहिए। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे। सो लेट अस से आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में या अमेज़न में कहीं पर इंटरव्यू है, यू कैन रीड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हियर। एंड इफ यू गेट स्टक, तो यहाँ पर आप लोगों के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, फ्रॉम ब्रूट फोर्स टू मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस, सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं, एंड उनका कोड भी तीन लैंग्वेजेस में अवेलेबल, C++, जावा एंड पाइथन। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो टू कोड स्टूडियो एंड रजिस्टर योरसेल्फ देयर। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, विच इज इंटरव्यू बिट। तो इंटरव्यू बिट पे मैंने लगभग 264 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एंड विच इज़ गुड इनफ, मतलब काफ़ी अच्छे वाले प्रॉब्लम जो कि इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ से किए थे। ओके, नाउ देयर इज गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स से मैंने 159 क्वेश्चन किए थे। अच्छा, आप लोग अब कन्फ्यूज मत होना कि यार इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और आपको भी ये सारे करने हैं, नहीं। ओके, आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। देखो, मेरे पास कोई गाइड करने के लिए था नहीं, इसलिए मैं इधर उधर प्लेटफॉर्म्स से भटकता रहता था। फाइनली मुझे एक प्लेटफॉर्म पसंद आया, विच इज़ लीड कोड। ठीक है, उसी का अल्टरनेटिव कोड स्टूडियो भी बिल्कुल सेम लाइन्स पे है। कोड स्टूडियो में आपको कुछ फ्री फीचर्स मिल जाते हैं, लीड कोड पे आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड हैं, बस इतना डिफरेंस है। अब थोड़ा सा ना कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग वाले प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं, जैसे कि कोड फोर्सेज। कोड फोर्सेज मैंने 144 क्वेश्चंस किए थे, एंड ये क्वेश्चंस कॉन्टेस्ट वगैरह के ज़्यादा नहीं थे, बिकॉज आई वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग मच इन द कॉन्टेस्ट। ये क्वेश्चन थे लैडर्स के। ओके, तो हमारे पास ABCD लैडर्स होती हैं कोड फोर्सेज की, एंड विच आर वेरी फेमस इनफैक्ट। तो वहाँ से मैंने लेडर सी एंड लेडर डी के क्वेश्चन किए हुए हैं। देन कोड शेफ, कोड शेफ पे अबाउट 58 प्रॉब्लम, ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व नहीं किए थे। देन दिस इज हैकर रैंक, यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ओनली 5 स्टार। एंड देन दिस इज हैकर अर्थ, यहाँ पर मैंने सिर्फ 28 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो देखो, मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए बिकॉज देर वॉज नो वन, एब्सोल्युटली नो वन टू गाइड मी। तो यू कैन इग्नोर ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। व्हाट आई वुड से इज कोड स्टूडियो या लीड कोड में से एक ले लो, और कोड फोर्सेज ले लो। कोड फोर्सेज पे आप लोग लेटर वगैरह कर लो या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग। और कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, देन यू कैन स्किप दैट, फिर आप सिर्फ कोड स्टूडियो या फिर लीड कोड पे स्टिक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं? लगभग यहाँ पर तो जो मैंने करे हैं इट इज़ अराउंड 1660 समथिंग। ठीक है, एक आध प्लेटफॉर्म अभी मिस हो गया होगा, तो मतलब 1700 के आसपास, 1700 के आसपास आप मान सकते हैं कि है। तो क्या इतने क्वेश्चन करने की सच में ज़रूरत है? क्योंकि तो मेरे पास टाइम था और मैं फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी सीरियस हो गया था, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन कर भी पाया हूँ। ओके, और मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था। आई यूज़ टू डू प्रॉब्लम्स, मतलब लीड कोड पे इफ़ यू लुक एट माई प्रोफाइल ना, तो देर वॉज अ टाइम थ्रू आउट द ईयर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने डेली एटलीस्ट वन सबमिशन तो किया था। तो देखो कितना सारा गैप आ गया है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो आप लोगों को कम से कम 250 से लेकर 300 तक क्वेश्चन करने हैं,
और अच्छे वाले क्वेश्चंस, सारे के सारे इजी मत कर देना, सारे के सारे मीडियम मत कर देना, मिक्स करना इनका। उसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरी ये 250 क्वेश्चंस वाली DSA शीट, ओके आप लोग इस पे जा सकते हैं एंड यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से करने हैं। 250 से लेकर 300 तक यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों को करनी है, डेफिनेटली करनी है, इसके बिना आप लोग इंटरव्यूज में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से मतलब आपको ए टू जेड सारा कुछ पता होना चाहिए फ्रॉम दिस शीट, देन यू आर इन अ रियली गुड पोजिशन टू क्रैक योर टेक्निकल इंटरव्यूज, ओके। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने कमेंट्स नीचे कर देना कि आपको इन फ्यूचर किस टाइप की और वीडियोज चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू एंड लेट्स मीट इन अनदर वन।